बहुत काम सबके लिए नहीं होता है, तो हम हमारे पास भी जाती है नहीं जाती। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू विनोद की वेटी लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और आज हमारे यहाँ कोई खास गेस्ट आया है। आने की खुशी भी और गुस्सा भी लग रही है इस गेस्ट के ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट में आए मेरे मामा जी आए हैं। मेरे मामा और अविष्का के मामा दोनों मामा हैं, पर मेरे मामा तो रियल बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। पर अविष्का के मामा बहुत ही चुप्पे और बहुत ही सीधे, क्या कहूँ। देखे उधर देखे, ये इनके मामा हैं, पोज दे रहे हैं। ये कौन सा पोज है? दिल दिल दिल। तो मेरा भाई सरमा रहा है, समझ में नहीं आता है मैं कैसी लड़की ढूंढूंगी इसके लिए। ये मेरा भाई है, और ये बताएं ये ऐसा भाई मेरे साथ रील बना रहा है। प्लीज भाई रील बना ले, इतना छोटा भाई बताओ मिला मुझे है और रील बना रहा है। बना ले भाई, बना ले। आपको आना चाहिए, सारा काम जो है अपने अपने काम तो रोज ही करना है, एक नई बात थोड़ी है कोई। सब सब काम करते हैं, सब आते हैं। बहुत काम सबके लिए नहीं होता है, हम हमारे पास फुर्सत थी क्या? हम आए, हम भी तो आए हैं। ठीक आएंगे। हाँ, बिद्दू को भेज देंगे, सबको लेके आना साथ में। ठीक है। हाँ, अकेले नहीं आना, सबको साथ में लेके आना। उनको भेज दे, कहीं उनको भेज दे। ठीक है। बिंदु को भी लेके आएगा, उसको भी। और फ्रेंड्स, ये जो है मेरे मामा हैं, जो भिवाड़ी में रहते हैं। पहले दिल्ली में ही रहते थे, पर दिल्ली में ही जो है इनका सारा काम था, पर उसके बाद ये जो है भिवाड़ी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपना घर ले लिया है। और हम लोग भी कई बार जा चुके हैं भिवाड़ी। तो एक बार उनका ये छुट्टियों में हम लोग उनकी कथा में नहीं गए थे, तो वो मिलने यहाँ पर आ गए। और मैं जल्दी जल्दी उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनको निकलना भी है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है व्लॉग है, जिसमें क्योंकि रात भर तो वो ठहरे थे और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको निकलना था, तो मैंने कहा चलो कुछ नाश्ता वास्ता करा करके तब वो निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आ जाओ जल्दी से। क्यों, कैसी लग रही? बोलो भाई, कैसी लग रही? अच्छी तो ऐसे तो बोल दो। कोशिश तो यही रहती है भाई, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कोई भी कहीं जाता है तो अच्छा ही लगता है। तो आदमी धन होता है जो बाकी तो बाकी बाकी वैसे उतार लियो। मैं चला चलाता अभी काम अभी वो है ना, अभी फाइव का बाय नाना। और फ्रेंड्स, मैंने जो है सुबह जल्दी जल्दी जो है बल्ले पापड़ी, वो जो मेरी होती है ना पापड़ी मट्ठी के साथ में सब्जी वाला, वो मैंने बना के खिलाया मामा को, क्योंकि मामा को जाना था। तो मामा रहते हैं भिवाड़ी में, और भिवाड़ी से ही बाइक से आ गए थे। कह रहे थे बस ऐसे मिलने का मन हो रहा था, तो चलो मैंने कहा चलते हैं। मामी नहीं आई थी, पर उनका बेटा और वो लोग वो आए थे। ये छोटा बेटा है उनका, उनके दो बेटे हैं। एक बेटा तो बाहर जो है फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहा है, और दूसरा बेटा ये छोटा वाला है, तो मेरे से काफ़ी छोटा है अभी।
तो मैं बस जल्दी जल्दी सबको विदा किया। विदा करने के बाद अब मुझे, अब मैं नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी क्योंकि वो लोग 9 बजे निकल गए, तो अब सारा काम करूंगी क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने सोचा कि जिसको जाना है तो थोड़ा नाश्ता पानी करा देते, तो अपने दिल को तसल्ली हो जाती है कि कम से कम नाश्ता पानी कुछ कर लिया है। वरना मुझे पता बहुत ऑड लगता है कि चाय बिस्किट खिला करके किसी को भेज दो, ऐसा लगता है कि मतलब पहुँचते पहुँचते भी उनको इतना टाइम हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि कुछ खा पी के जाए तो अपने आप को तसल्ली रहती है। और इसी तरह मतलब कहते हैं परिवार में प्यार बना रहता है तो सबसे अच्छा है। अब बस निकलूँ, देखिए क्योंकि कुछ सारा सामान मैंने जल्दी ले किया ना, तो जल्दी उठी थी फिलहाल तो, पर अभी भी ये काम सारा पेंडिंग है। यहाँ पर ये देखें अभी पेंडिंग है क्योंकि मैंने सोचा कि पहले जो है जो गेस्ट आते हैं उनको कर लेते हैं, अब मैं सारा काम करने जाऊँगी। तो बस आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा और बताइएगा कि जो है आप लोग को व्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि व्लॉग में जब लाइक आते हैं ना तो ही मैं पता चल जाते हैं। जो है बहुत देर तक हम लोग जगे हुए थे, 1:30 बज गया था, तो आज सारे दोपहर में खाना खा कर इस सब जो सब घोड़ा बेच के सो रहे थे। मैं भी जल्दी सो रही थी और शाम को अब लग गई लोगों को भूख, तो फिर से मैं पराठे बना दी थी चाय के साथ। मामा जी पहुंच गए, मामा जी ने फोन कर दिया था, और मामा जी कल थोड़ा सा नाराज हो गए थे इनके ऊपर क्योंकि इनकी यहाँ कथा थी तो हम लोग नहीं गए थे। तो मामा जी कह रहे थे कि बेटी की अब छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की, तो क्यों नहीं आते हो, क्योंकि जैसे एक बाप जो डांटता है ना, तो उनको पड़ी थी बहुत अच्छी खासी तगड़ी वाली डांट और ये चुपचाप सुन रहे थे क्योंकि जो है मतलब इनकी गलती तो नहीं थी, पर क्या है बड़े होते हैं ना, जो बड़े डांटते हैं तो छोटों को सुनना ही होता है। तो फ्रेंड्स आज एक दुख और खुश दोनों का दिन है क्योंकि आज जो है राजवीर जी का बर्थडे है और दूसरी चीज बर्थडे है, तो आज वो इस दुनिया में नहीं है पर फिर भी उनका जो है उनको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। स्नैपी गर्ल को मैं बर्थडे की बधाई दूंगी क्योंकि जो इस दुनिया में है नहीं, आज स्नैपी गर्ल भी उनको याद कर रही है क्योंकि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें इंसान ना चाहते हुए बहुत याद आता है। और आज जो है स्नैपी गर्ल के लिए रियल में बहुत टफ डेज होगा क्योंकि जन्मदिन वाले दिन जब उन्होंने सेलिब्रेट किया होगा तो उनको सारी मेमोरीज याद आ रही है, इसीलिए उन्होंने वीडियो भी डाला है इसका। राजवीर जी नहीं रहे बट उनकी वो हमारे बीच में अब यादों में रह गए हैं और आशा करता हूँ कि राजवीर जी को अपनी तरफ श्रद्धा पूर्वक नमन। और बहुत दुख देखे गए हमें उन्हें, बहुत सालों से गए, 2-3 सालों से मैं उनको लगातार देख रहा था, चैनल देख रहा था, खासकर सूरज भाई का देख रहा था। सूरज भाई नहीं रहे, फिर राजवीर भाई ने संभाला उस चैनल को और फिर उनपे वो भी बहुत अच्छा अच्छा दिखाते थे वीडियो में, फिर अब दोनों नहीं रहे तो सपना जी के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि अभी वीडियो आया सपना का तो मतलब देख उन्होंने आज बर्थडे का वीडियो डाला है तो मुझे पता है कि उसको उसकी जो तकलीफ है ना वो तकलीफ तो हमेशा ही रहेगी वो, क्योंकि कभी कुछ आएगा, कोई बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है जो आती रहेंगी और उसको याद आता रहेगा। तो सपना आपका वीडियो देखा मतलब दिल बिल्कुल छन्नी छन्नी हो जाता है ये वीडियो देख करके कि जितना मैं भूला मतलब मैं सोचती हूँ कि छोड़ो, होता है कि कभी कभी चलो इस चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हैं पर सपना के लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहन को सपोर्ट की जरूरत हो जो बताए भाई हाजिर रहेगा क्योंकि हम सब आपके साथ हैं, मतलब कि हम सब आपके सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर ये नहीं कि हमेशा जो है गंदे कमेंट्स वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं कि जो लोग आपका जो है मतलब कि आपको उल्टा पुल्टा कह करके फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि मैंने वो वाला वीडियो भी देखा जिसमें आपकी फोटो लगाई गई है और जिसमें जो है आपको दिखाया है डेथ वाला, ये मैंने बहुत पहले वीडियो देख लिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आई थी इसके ऊपर, मैंने अपने व्लॉग में बोला भी था। और जो लोग जो है फालतू के रिलेशंस निकाल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ इस वजह से मुझे इस चीज़ का दुख है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपके ताऊ फूफा या चाचा या इनकी लड़की हूँ या ऐसा कुछ है। पर देखिए एक दिल का रिश्ता भी कुछ होता है, एक आपके वीडियोस देखने से भी जो रिलेशन बन जाता है उसकी वजह से मैंने जो है ये सारे मतलब कि आपके दुख में शामिल होने के लिए मैंने वीडियोस बनाए थे। और मैंने अपनी वीडियोस में कभी कुछ ऐसा नहीं करने की कोशिश की जिससे कि आपकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ लोग हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि देखिए जो आपका मन करता है आप वो करें क्योंकि ये आपके पति थे, ये आपके जो है आपके पति आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे वो आप जानती हैं, आप उनकी इंक्वायरी कराना चाहती हैं नहीं कराना चाहती हैं, बस मेरा इससे कोई मतलब भी नहीं है। मैंने कभी अपने वीडियो में कहा भी नहीं कि आप कभी FIR कराएं। जो लोग कहते हैं बार बार इन चीज़ों को कहते हैं,
मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगी प्लीज़ छोड़ दीजिए सपना को अपने हाल में। आप देखिए ना आज की वीडियो को देखिए और उसके पहले का दो वीडियो डाला, दोनों वीडियो में किस तरह के उसका जो है दुख बाहर निकल के आ रहा है। तो ये सब मत करिए, सब प्लीज़ उसके पीछे मत पड़िए और हर दो मिनट पर वीडियो डालिए, हर दो मिनट पर उठा उठा के वीडियो मत डालिए। डेली व्लॉगिंग है, हम डेली व्लॉगिंग करते हैं, एक वीडियो डालते हैं, हमें जो लगता है हम वो सपना के साथ जो है उनके दुख में शामिल होते हैं, पर हर दो मिनट पे उनको लेकर के इस तरह से क्रिटिसाइज करना, इस तरह से परेशान करना वो मत करिए क्योंकि ये अच्छा नहीं है। क्योंकि एक औरत है, औरत के दुख को समझिए आप लोग, एक औरत का मजाक मत उड़ाइए कि उसका पति चला गया, अगर वो कुछ नहीं बोल रही तो उसकी खामोशी को इतना ज्यादा है आप मत समझिए कि वो दब रही है आपसे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सारे यूट्यूबर से कि इतना करिए जितना अच्छा लगे, इतना मत करिए कि बिल्कुल हद पार हो जाए, क्योंकि हम यूट्यूबर्स हैं, हम इतना नहीं करेंगे। व्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं पर आप उसके लिए सहानुभूति रखिए। आप हर दो मिनट पे वीडियो डालते रहे, हर दो मिनट पे वीडियो डालते, वो बोल चुकी है वीडियो में, तब भी आप लोग को चैन नहीं पड़ रहा है। तो बस मैं बस ये कहूँगी हैप्पी बर्थडे राजवीर जी, सपना अपने दुख को मैं कुछ नहीं कह सकती आपके लिए क्योंकि आपका दुख बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल आपके लिए कहना। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और सभी लोग अपना ध्यान रखें प्लीज़।